जैन साहब क्या अपील करना चाहेंगे मतदाताओं से? राहुल जी, पहले मैं दो लाइनों के माध्यम से अपनी बात शुरुआत करना चाहता हूं। कम बोलना भी तहजीब है संस्कारों की, कम बोलना भी तहजीब है संस्कारों की, लोग समझते हैं हम बेजुबा हैं। राहुल जी, कांग्रेस पार्टी पार्टी नहीं, एक विचारधारा है। यह आज की पार्टी नहीं है, यह आज़ादी से पहली पार्टी है। इसको नेहरू जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, राजीव जी ने, सभी ने सींचा है। और जो आज कांग्रेस पार्टी कार्य कर रही है, वो जनता के हित के लिए ही लड़ रही है। ये आज तक पिछले 70 सालों से जनता के लिए कार्य करती रही है। मैं तो यही बताना चाहूँगा कि आप किसी बहकावे में ना आए और आप ये समझ बूझकर अपने मत का प्रयोग करें कि पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने देश को कहां से कहां पीछे धकेल दिया है। आज विकास के नाम पर कुछ नहीं है, करप्शन के नाम पर करप्शन बढ़ता जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, बेरोजगारी में पिछड़ा हुआ है, किसी भी चीज में हम ये नहीं कह सकते कि पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्य किया है। रही बात दिल्ली की, दिल्ली के अंदर उत्तर पूर्वी दिल्ली से आलाकमान ने श्रीमती शीला दीक्षित जी को चुनाव मैदान में उतारा है, जो कि एक बहुत अच्छा कार्य आलाकमान ने किया है। शीला दीक्षित विकास का दूसरा नाम है। 15 वर्षों में अपने मुख्यमंत्री काल में श्रीमती शीला दीक्षित ने दिल्ली का जो कायाकल्प किया है वो बेमिसाल है। ऐसा विकास किसी भी देश में इतनी जल्दी नहीं हुआ है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि श्रीमती शीला दीक्षित उत्तर पूर्वी दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। मतदाताओं से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, आप इस सिद्धांत पे, जो ये नारा कभी इंदिरा गांधी जी ने दिया था, जो ये नारा कभी लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जो ये नारा कभी जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, आपके पूर्वज भी हमेशा से कांग्रेस को जिताते आए हैं, तो क्या वो गलत कर रहे थे? बहकावे में मत आइए। आप अपने पुराने बुजुर्गों ने जो आपके रास्ते बनाए हुए हैं उन्हीं पे चलिए। राहुल जी, आज मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इतना नीचे गिर गए हैं कि एक आम आदमी भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करता जिस प्रकार की भाषा श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और उनके सब साथी कांग्रेस के लिए करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी को शोभा नहीं देता। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं किसी प्रधानमंत्री के मुख से इस प्रकार के वचन सुनता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू चोर हैं, इंदिरा गांधी चोर है, या ये चोरों की पार्टी है। अरे अगर ये चोरों की पार्टी है तो मुझे ये बताने की कोशिश करें कि ये देश का विकास जो हुआ है ये अपने आप हो गया क्या? या भारतीय जनता पार्टी जिसका जन्म ही अभी हुआ है, क्या उसने करा है क्या इसका विकास? प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रहे हैं, उन्होंने कभी भी कांग्रेस के बारे में कभी अपशब्द नहीं बोले। आडवाणी जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो जन्मदाता आडवाणी जी और अटल बिहारी जी हैं, कभी भी कांग्रेस पार्टी के बारे में कुछ ऐसा शब्द नहीं बोला। लेकिन
जो आज मैं देख रहा हूं, इसका मुझे बहुत बहुत दर्द होता है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को भी भारतीय जनता पार्टी की भाषा में ही जवाब देना पड़ रहा है, जो कि उन्हें बड़ा बुरा लग रहा है। जब खुद बोलते हैं तब तो बुरा नहीं लगता, लेकिन अगर कांग्रेस ने एक बार चोर कह दिया तो सबको जो है मिर्ची लग गई। और अंत में मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूँगा और अपने मतदाताओं से और कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहूँगा कि 12 तारीख सब अपने घर के जिस मेंबर की वोट है उनको साथ लेकर जाइए। ये एक महापर्व है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है। इसमें सभी मतदान कीजिए, कोई भी पीछे ना रहिए और देश को एक अच्छी सरकार दें। जैसा कि हमारे क्षेत्र में शीला दीक्षित जी खड़ी हुई हैं और हमारा बाबरपुर क्षेत्र पड़ता है, इसमें कैलाश चंद जैन जी ने जो कार्य कर रहे हैं पिछले लगभग 10 साल से, वो अब तक बेमिसाल हैं। और मुझे उम्मीद है कि कैलाश जैन जी के नेतृत्व में बाबरपुर क्षेत्र से शीला दीक्षित जी बहुत भारी बहुमत के साथ विजयी होंगी। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। बंधुओं, सब एक साथ मिलकर हौसले के साथ अपने पूरे परिवार के साथ बूथ पर जाइए और वोट कीजिए। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है, इसमें सब मिलजुल कर सहर्ष इसे खुशी के रूप में मनाइए, जैसा कि आप दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं। इसी प्रकार से आने वाली 12 तारीख को ध्यान रखिए। कांग्रेस को वोट देकर आपने राहुल जी को विजयी बनाना है, कांग्रेस को विजयी बनाना है और देश को एक अच्छी सरकार देना है। जय हिंद, जय भारत। धोखा नहीं खाएंगे, कांग्रेस सरकार लाएंगे। सरकार वैसी आए जो सबको दे दे जाए। न्याय हो, उन्नति हो, न्याय हो, प्रगति हो, न्याय। किसान पाए, हर नौजवान पाए, रोजगार लाए, मिटा दे नफरत, न्याय। प्यार लाए, अन्याय मिटाने के लिए उठा मैं एक तूफान हूँ। मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय। मैं ही तो हिंदुस्तान।